एवरीवन, मैं हूं रितु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो लड़कों के प्राइवेट पार्ट के मोटाई के बारे में, यानी कि गिर्थ के बारे में है कि वो चारों ओर से कितने गिर्थ में होना चाहिए। लंबाई जो होती है वो ये होती है कितना लंबा होना चाहिए, और गिर्थ जो होती है वो ये सर्कल में होता है कि कितना मोटा होना चाहिए। तो आज हम इस मोटाई के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग स्टडीज बताते हैं, अलग अलग रिसर्च बताते हैं। हम जो इस वीडियो में बताने वाले हैं वो एवरेज होता है, यानी कि बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के वेबसाइट की बात करो, या फिर नेशनल किसी भी वेबसाइट पे आप ले लो, जो मैं बताने वाली हूँ आपको यही मिलेगा। मैं बहुत सारी वीडियोस में इसके लंबाई के बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो में हम लंबाई पे बात नहीं करेंगे। इससे पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टडीज ये कहती हैं कि लंबाई से ज्यादा मोटाई फीमेल्स के प्लेजर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत ज्यादा भी ना किया जाए बट इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि फीमेल की प्राइवेट पार्ट जो होती है उसका शुरुआत का सिर्फ 1 या 2 इंच का हिस्सा ही सेंसिटिव होता है। इसीलिए अगर आपका साइज 6 इंच 8 इंच हो, इससे फीमेल को कोई फायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि शुरू के 2 इंच ही सेंसिटिव होते हैं। और इसको फ्रिक्शन देने के लिए जितना अच्छा आपका मोटा होगा उतना अच्छा फीमेल के लिए होता है। तो इसीलिए आइडियल मोटाई की, यानी कि गिर्थ की बात करूं, जो बिना इरेक्शन के होता है ना, वो 2.9 इंच से लेके 4.9 इंच का होता है। यानी कि विदाउट इरेक्शन जो साइज होता है, जो मोटा होता है, जो मोटा होना चाहिए, वो 2.9 इंच से लेके 4.9 इंच होता है। और इरेक्शन के बाद, यानी कि जब आपका हार्ड कोर इरेक्शन होता है, 100% ब्लड फ्लो पहुंचता है, जब आप फिजिकल इरेक्शन के लिए प्रॉपर तैयार होते हो, उस टाइम पे ये जो गिर्थ होती है वो 3.7 इंच से लेके 5.9 इंच तक होता है। आप बोलोगे मैम 5.9 इंच मोटा किसी का हो सकता है? देखिए, ये डॉक्टर्स स्टडीज एवरेज बताती है, सबका 5.9 इंच नहीं होता, सबका 3.7 इंच नहीं होता। और अगर मैं गिर्थ की बात करूँ, नॉर्मली अगर मैं किसी भी चीज़ के गिर्थ की बात करूँ ना, तो अगर आप किसी टेप से इसको गोल तरीके से नापोगे तो फिर आपको ये एवरेज लगेगा, क्योंकि लंबाई एक चीज़ होती है, उसको आप ऐसे सर्कल कर दोगे ना, जो इतना लंबा होगा उसको सर्कल कर दोगे तो वो उसी इंच में आ जाता है। तो सुनने में ये बहुत ज़्यादा लगे बट एक्चुअल नहीं होता। और ये जो 3.7 इंच से लेके 5.9 इंच की बात कर रही हूँ, ये एवरेज होता है। इसके ज़्यादा भी लोगों का हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो आप पूछोगे मैम इसके अंदर ही होना चाहिए तभी ये नॉर्मल होता है? देखिए, ऐसा नहीं होता कि इससे अगर थोड़ा सा कम हो, यानी कि किसी का अगर 3 इंच का हो तो बिल्कुल वो एबनॉर्मल है। बट मैं एवरेज और आइडियल की बात कर रही हूँ कि यही, मतलब कि अगर ऑल ओवर स्टडीज़ की बात करूँ तो उस पर डिपेंड करके इस साइज़ को बताया गया है। पर एक्चुअली द थिंग इज कि अगर मैं फीमेल के प्लेजर की बात करूं, क्योंकि लंबा हो, मोटा हो, चौड़ा हो, जैसा भी हो, ये कन्वर्सेशन वहीं पे आती है जहां पे फीमेल की प्लेजर जुड़ी हुई है। फीमेल की प्लेजर के लिए देखिए, सिर्फ मोटा होना या सिर्फ लंबा होना, यही चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती। मैं हमेशा बताती हूँ कि फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आपके परफॉर्मेंस से पड़ती है, कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपके अंदर स्टैमिना कितनी है, आप कितने जल्दी झड़ जाते हो, या आपका इरेक्शन कैसा है। अगर आपका स्ट्रेंथ स्टैमिना ठीक है तो आपकी फीमेल पार्टनर हमेशा ही आपसे संतुष्ट रहेगी। पर अगर आपको अर्ली डिस्चार्ज की कोई दिक्कत है, अगर आपको इरेक्शन की कोई दिक्कत है, तो उस केस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है। पर अगर आपका इसी एवरेज साइज के अंदर है, आपकी गिर्थ ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, पर आप बहुत जल्दी झड़ जाते हो, तो उस केस में भी आपकी फीमेल पार्टनर कभी संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे आपकी फीमेल पार्टनर शुरू होगी वहाँ पे आप खत्म हो जाओगे। तो इस केस में बहुत सी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है, बट एक चीज़ है जो आपको तुरंत हेल्प कर सकती है, और वो है कोई डिले स्प्रे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मैन मैटर का ये इंडियोर प्लस डिले स्प्रे का इस्तेमाल करो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे डिले स्प्रे होते हैं जिसमें अल्कोहल होता है, जिसमें जो नमनेस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो इतना ज़्यादा नम कर देता है कि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये ट्रांसफरेबल भी नहीं, यानी कि बहुत सारे डिले स्प्रे होते हैं ना जो ट्रांसफरेबल हो जाता है, यानी कि आपके थ्रू आपके फीमेल पार्टनर के पास पहुंच जाता है, और फीमेल पार्टनर की प्राइवेट पार्ट अगर नम हो गई तो उसको कोई सेंसेशन फील नहीं होगी, तो इसलिए वो ट्रांसफरेबल ना हो। ये जो डिले स्प्रे है ये बिल्कुल भी ट्रांसफरेबल नहीं है, आपसे आपकी फीमेल पार्टनर को ट्रांसफर नहीं होता, बहुत क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है,
नमनेस जितना होना चाहिए, यानी कि एनास्थेटिक रेट जितना होना चाहिए ये उतना ही होता है। इसके जो मेन कॉम्पोनेंट है वो लिडोकेन है, और इस लिडोकेन की वजह से ही आप में नमनेस आती है, आपके वाइब्रेट में नमनेस आती है, जिसकी वजह से आपका टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। ये अल्कोहल फ्री है, बिल्कुल जेंटल होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक ये नम रहा, ये तब तक ही नम रहता है जब तक आप चाहते हो, आपका डिस्चार्ज होने के बाद नमनेस चली जाती है, और इसका बिल्कुल भी साइड इफेक्ट आपके स्किन पे नहीं होता, कोई इरिटेशन नहीं होता है, कोई जलन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। तो अगर आप अपने टाइम को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। और दूसरी जो चीज़ होती है वो है इरेक्शन, आपको इरेक्शन में भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले कहा अगर आपका मोटाई आपको प्रॉपर चाहिए होता है, यानी कि आपकी मोटाई लगभग मान लीजिए कि 5.9 इंच का ही है या फिर 4 इंच का है, 4.5 इंच का है, बट अगर प्रॉपर इरेक्शन नहीं आया तो आप आपकी जो अप्रोप्रिएट मोटाई है, गर्थ है, उसको आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि 100% इरेक्शन होगा तभी प्रॉपर जो गर्थ है वो उसको आप अचीव कर पाओगे। मान लीजिए कि आपको बलून में हवा भरनी है, तो बलून जितना हवा ले पाएगा अगर आप उतना नहीं उसमें डालते हो तो बलून की वो साइज आप अचीव नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही आपके प्राइवेट पार्ट में जितना ब्लड फ्लो जाना होता है अगर वो नहीं जाता तो आप उस गर्थ को, साइज को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इरेक्शन का अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इरेक्शन इश्यूज है तो उस केस में आप लौंग ऑयल और कोकोनट ऑयल से मसाज करते हो। इसके लिए आप कोई भी ऑर्गेनिक तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो इसके भी मैं कोई ब्रांड के बारे में आपको बताऊंगी। आप चाहो तो लौंग ऑयल कोकोनट ऑयल को मिक्सचर करके आप यूज़ कर सकते हो, या फिर मैंने अपने चैनल में बहुत सारे ऑयल के बारे में बताया है जिससे आप अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश करो, वो आपके वेन्स को, आपके नर्व्स को डैमेज होने से बचाता है, रिपेयर करता है, जिससे आपकी इरेक्शन इश्यूज गायब होती है, या फिर बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट के बारे में मैंने बताया है जो आपके स्ट्रेस डिप्रेशन के इश्यूज को घटाता है, जिससे आपकी इरेक्शन प्रॉब्लम दूर होती है। बहुत बार हमारे स्ट्रेस डिप्रेशन के वजह से भी हमारी अर्ली डिस्चार्ज, इरेक्शन प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि फिजिकल रिलेशन जो हार्मोन्स होते हैं, जिस हार्मोन की वजह से होता है वो यहाँ से रिलीज होता है, तो यहाँ पे गड़बड़ी हुई तो सब जगह पे गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए मोटाई कितनी होनी चाहिए वो तो मैंने आपको बता दिया, पर अगर आप उसको अचीव करना चाहते हो प्रॉपरली तो आप अपने सेक्सुअल हेल्थ पे फोकस करो, उसको अच्छे से रखो, इरेक्शन पे फोकस करो, तो आपका जो प्रॉपर गर्थ है वो आप अचीव करोगे। और अगर आप फीमेल पार्टनर के प्लेजर की वजह से कंसर्न हो अपने गर्थ को लेके, तो उस केस में अगर आपके स्टैमिना, पावर, स्ट्रेंथ, आपकी डिस्चार्ज, हर चीज़ ठीक रही तभी आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो संतुष्ट हो पाएगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।